हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज अपन पीएनसी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ाया था। उसमें जो दो मेथड्स थे, एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल था, एक एडिशन प्रिंसिपल था, उसको पढ़ा था। उस पर बेसिस कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और हमने डिफरेंट मॉडल्स पढ़े थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन कंसेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ क्वेश्चंस ग्रेडेड एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है ना। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स how many three digit numbers can be formed by using the digits 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट केस है रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। सेकेंड, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपने को अवेलेबल डिजिट्स कितनी है, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 डिजिट्स गिवन है और 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर, है ना। तो फर्स्ट केस में बोला गया रेपिटेशन अलाउड नहीं है, यानी एक डिजिट को अपन एक ही बार यूज करेंगे, दो या दो से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते, है ना। तो लास्ट क्लास में जो भी हम लोगों ने परम्यूटेशन में सीखा था, वो हमने ये सीखा था कि कभी भी आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट निकालनी हो तो उसके लिए हम ब्लैंक बॉक्सेस बना लेते हैं, है ना। मेथड हमने क्या बोला था, ब्लैंक बॉक्स कंसेप्ट यूज करते हैं। ब्लैंक बॉक्स कंसेप्ट बच्चों क्या होता है, जितने ऑब्जेक्ट्स आपको अरेंज करने हैं उतने ब्लैंक बॉक्सेस बना लीजिए। तो जैसे थ्री डिजिट नंबर बनाना है तो हमने 3 ब्लैंक बॉक्सेस बना लिए। अब हम ये देखेंगे कि इन 3 बॉक्सेस को इन अवेलेबल 5 डिजिट की हेल्प से हम कितने डिफरेंट तरह से फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। जितने डिफरेंट मैंने बॉक्स फिलिंग किए होंगे उतने नंबर बनेंगे, ठीक है ना। और बॉक्स फिलिंग पर यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी बॉक्स को पहले फिल कर सकते हैं, किसी भी बॉक्स को बाद में फिल कर सकते हैं। तो पहला केस तो ये था कि यार 3 डिजिट नंबर बनाना है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो पहले बॉक्स को कितने डिफरेंट मैनर से फिल कर सकते थे, कि 5 डिजिट से 1, 2, 3, 4, 5। तो फर्स्ट बॉक्स को तो 5 मैनर से फिल कर सकते हैं। अब फर्स्ट बॉक्स में आपने जो भी डिजिट यूज कर ली उसको नेक्स्ट बॉक्स में आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मेंशन है रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो सेकेंड बॉक्स को फिल करने के डिफरेंट मैनर्स कितने होंगे, 4। और जब सेकेंड बॉक्स भी फिल हो गया तो अब थर्ड बॉक्स को फिल करने में आप वो दोनों डिजिट यूज नहीं कर सकते जिसको आपने पहले दो बॉक्स भी यूज किया था। तो थर्ड बॉक्स को फिल करने के कितने मैनर आएंगे, 3। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 5 × 4 × 3। बच्चों इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 डिजिट नंबर तभी बनेगा जब आप ये वाला बॉक्स भी फिल करें, ये भी बॉक्स फिल करें, ये भी बॉक्स फिल करें, यानी ये तीनों जॉब एक साथ करें। पहली जॉब 5 मैनर से की जा सकती है, दूसरी जॉब 4 मैनर से की जा सकती है, तीसरी जॉब 3 मैनर से की जा सकती है। तो तीनों जॉब एक साथ, दिस एंड दिस सारी जॉब एक साथ हो रही है, इसलिए तीनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा, 5, 4, 20, 3, 60। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट, द रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, यानी अब रेपिटेशन अलाउ कर दी गई है, यानी किसी एक डिजिट को आप दो बार भी यूज कर सकते हैं, 3 बार भी यूज कर सकते हैं। तो पहले वाले बॉक्स पर बताइए, पहले वाले बॉक्स को आप 5 मैनर से फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब लेकिन जिस डिजिट को अपने फर्स्ट बॉक्स में यूज किया था उसको भी सेकेंड बॉक्स में यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड बॉक्स को भी फिल करने के कितने मैनर हो जाएंगे बच्चों, 5। सिमिलरली थर्ड बॉक्स की बात करें तो रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, तो इस बॉक्स को फिल करने के एग्जैक्टली कितने मैनर आएंगे, 5, क्योंकि आप एक डिजिट को तीनों बॉक्स में भी यूज कर सकते हैं। 111 टाइप का नंबर भी बना सकते हैं, 222 टाइप का नंबर भी बना सकते हैं। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट, 5 × 5 × 5, दैट कम्स आउट टू बी 125। ये आपके सेकेंड पार्ट का आंसर है, ठीक है ना बच्चों। सिंपल सा प्रॉब्लम था, चलिए मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, देयर आर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन फुल स्टॉप, हाउ मेनी sequences of answers are possible? ये क्वेश्चन है आपका, है ना? There are 10 true false question in an examination. यानी एग्जाम में 10 questions है और उस पर दो ऑप्शन है, या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा. यानी उस क्वेश्चन, किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर आप दो मैनर से दे सकते हैं, ठीक है ना? अब क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, कितने डिफरेंट सीक्वेंस हो सकते हैं, कितने डिफरेंट मैनर से इनका आंसर्स दिया जा सकता है, है ना? तो 10 क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनको देने के लिए मैंने क्या किया, 10 ब्लैंक बॉक्सेस बना लिए, एंड अप टू सो ऑन, ये 10 बॉक्सेस बन गए, ठीक है ना? अब पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप कितने तरह से दे सकते हैं, दो मैनर से दे सकते हैं, या तो आप इस स्टेटमेंट को ट्रू बोलेंगे या फिर फॉल्स. पहले क्वेश्चन का आंसर दो तरह से दे सकते हैं. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितने तरह से दे सकते हैं, वो भी दो मैनर हो जाएंगे, इधर ट्रू और फॉल्स. थर्ड क्वेश्चन के लिए भी टू ऑप्शन, फोर्थ के लिए भी टू ऑप्शन, और लास्ट में जो टेंथ क्वेश्चन है उसके लिए भी टू आंसर, है ना? तो नंबर ऑफ वेज, कितने डिफरेंट मैनर से आंसर दिया जा सकता है, यानी अगर हम सारी पॉसिबल आंसर की निकाले तो देखिए, 2 × 2 × 2 कितनी बार बच्चों, इंटू 10 टाइम्स, ये 10 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसका, तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली आंसर क्या इतना आ जाएगा, 2^10. तो यानी इस पेपर में जिसमें 10 क्वेश्चन है उसमें उसके इतनी डिफरेंट आंसर की बनाई जा सके, 2^10 मैक्सिमम पॉसिबल आंसर्स, है ना? ये मैक्सिमम पॉसिबल मैनर्स होंगे उसका आंसर देने के. लेकिन इस काउंटिंग में जो टोटल 2^10 आप समझते होंगे कितना आंसर आता है, 2/1024. यानी इस पेपर का आंसर इतने डिफरेंट मैनर से दिया जा सकता है, इनमें से एक मैनर एग्जैक्टली ऐसा होगा जिसमें सारे के सारे आंसर 10 के 10 सही होंगे, और बाकी 1023 क्वेश्चन आंसर्स वो होंगे जिनमें कम से कम एक क्वेश्चन गलत किया होगा बच्चों ने, ठीक है ना? तो सारे सही वाला तो एक कॉपी होगी जिसमें सारे सही जाएंगे, बाकी जो बचे उसमें कम से कम एक मिस्टेक होगी. बच्चों फॉलो कर रहे हैं क्या? चलिए इसी से रिलेट करते एक और क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका. 5 क्वेश्चंस ईच ऑफ विच कैन बी ट्रू और फॉल्स. मतलब अब की बार क्या है, पेपर में 5 क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर दो तरह से देना है आपको, स्टेटमेंट का तो ट्रू बोलना है या फिर फॉल्स बोलना है ना? अब मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, इन हाउ मेनी वेज अ चाइल्ड कैन गिव incorrect answers. ठीक है ना? आपको बताना है वो बच्चा जो है कितने डिफरेंट मैनर से इनकरेक्ट आंसर्स दे सकता है. तो देखिए अब क्या पेपर में क्वेश्चन कितने, 5, तो 5 ब्लैंक बॉक्सेस मैंने बना लिए, है ना? इन ब्लैंक बॉक्सेस को फिल करना है ना? और हर बॉक्स को फिल करने के मैनर्स कितने होंगे अपने पास, टू और फॉल्स. पहले क्वेश्चन का आंसर दो तरह से दे सकते हैं, सेकंड का भी आंसर दो मैनर से, इसका भी दो मैनर से, इसका भी दो. यानी मैक्सिमम पॉसिबल आंसर की अगर बात की जाए तो दैट इज 2^5, दैट इज 32. ये तो टोटल आंसर आ गए 32, है ना? लेकिन इस काउंटिंग में एक ऐसी कॉपी होगी, यानी 32 डिफरेंट तरह मैनर्स होंगे, सीक्वेंसेस होंगे जिसमें आंसर दिया जा सकता है. इस काउंटिंग में एग्जैक्टली एक ऐसा मैनर होगा जिसमें सारे आंसर सही आएंगे,
और 31 वो मैनर होंगे जिनमें कम से कम एक क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है, जिसमें सारे आंसर सही नहीं होंगे। तो मेरी डिमांड है, इन हाउ मेनी वेज अ चाइल्ड कैन गिव इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर का मतलब हुआ कम से कम एक आंसर गलत होना चाहिए, मतलब क्या नहीं होना चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन सही ना हो, ऐसा ना हो कि पांचों क्वेश्चन सही कर दिए हो। इट मीन्स आप ये मान के चले एटलीस्ट वन आंसर इज इनकरेक्ट, इसका मीनिंग एटलीस्ट वन आंसर इज इनकरेक्ट, कम से कम एक तो इनकरेक्ट होना ही चाहिए, ये मैंने आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज। तो हमने पहले क्या किया, पहले टोटल पॉसिबल मैनर्स निकाल लिए कि कितने डिफरेंट तरह से आप आंसर दे सकते हैं, और उसमें से वो केस सबट्रैक्ट कर दिया जिसमें सारे के सारे सही जा रहे थे, तो कितने आ जाएंगे 31। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन स्टूडेंट्स, टेन स्टूडेंट्स कंपीट इन अ स्विमिंग रेस, कंपीट इन ए स्विमिंग रेस इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन दे ऑक्यूपाई कैन दे ऑक्यूपाई द फर्स्ट थ्री पोजिशंस, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है मेरा। तो समझना बच्चों, रेसिंग कंपटीशन में कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स, है ना, और अपने को क्या करना है, जो टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं उनको प्राइज देना है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। तो ये तीन प्राइज इन बच्चों को कितने डिफरेंट मैनर से दिए जा सकते हैं ये बताना है। तो कितने प्राइज देने बच्चों, 3 प्राइज। तो हमने यहाँ पर 3 ब्लैंक बॉक्स बना लिए, तो आपको जैसा कि बोला था कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट निकालने के लिए हम ब्लैंक बॉक्स कंसेप्ट यूज करते हैं, उतने ब्लैंक बॉक्सेस बना लेते हैं जितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। तो हमको 3 मेडल देने बच्चों को, हमने 3 ब्लैंक बॉक्स बना लिए। अब हम रैंक 1 वाला मेडल देने जा रहे हैं, पहली रैंक वाला। तो इस मेडल को कितने डिफरेंट तरह से दे सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है 10 मेडल से दे सकते हैं, 10 में से कोई भी एक बच्चा फर्स्ट रैंक ला सकता है, ठीक है ना। तो इस मेडल को 10 मेडल से दे सकते हैं। अब जब सेकंड रैंक वाला मेडल देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेडल उस बच्चे को नहीं मिलेगा जिसका फर्स्ट रैंक आया था। तो जब फर्स्ट रैंक वाला हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब सेकंड रैंक देने के कितने मैनर हो गए, 9, है ना। अब सेकंड रैंक दे दिया, अब थर्ड रैंक की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड रैंक वाला मेडल उसको नहीं मिलेगा जिसके फर्स्ट या सेकंड रैंक आई है, तो उसको देने के मैनर कितने हो गए, 8। तो टोटल वेज कितने हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8, तो कितना हुआ, 9 8 या 72, 10 जा 720, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें तीनों मेडल डिस्ट्रीब्यूट करने, सारी जॉब एक साथ करने से सभी का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। वन मोर क्वेश्चन इसी में लिख लेते हैं। देर आर 7 फ्लैग्स, देर आर 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, देर आर 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, नंबर ऑफ फाइंड फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द यूज ऑफ By the use of two flags, the use of two flags, one above the other, ठीक है।
अब क्वेश्चन समझना बच्चों, आपके पास कितने फ्लैग्स अवेलेबल है? 7 फ्लैग्स हैं, डिफरेंट कलर, सारे कलर डिफरेंट है। और हमको करना क्या है, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द यूज ऑफ टू फ्लैग्स वन अबव द अदर। तो हमको एट ए टाइम कितने फ्लैग यूज करने हैं? 2 फ्लैग यूज करने हैं, यानी एक सिग्नल देने में हमें 2 फ्लैग का यूज करना है, ठीक है ना। तो अब बात ये है कि हम कितने डिफरेंट सिग्नल यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, पहले वाले स्पॉट पर यानी कोई भी फ्लैग, 7 में से 7 में से कोई भी एक फ्लैग पिक कर लीजिए, 7 डिफरेंट मैनर से आप पिक कर सकते हैं। और सेकंड वाले प्लेस पर 6 मैनर से, तो आंसर आपका क्या आएगा, 7 × 6 × क्यों किया, क्योंकि एक सिग्नल देने में हमें 2 फ्लैग यूज करने हैं एट ए टाइम, यानी ये वाली जॉब भी करनी है, ये भी करनी है। तो किस पर क्वेश्चन आ गया, मल्टीप्लीकेशन रूल पर, 7×6 = 42, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इफ ऑल द लेटर्स इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड टफ If all the letters of the word tough are arranged in alphabetical order, as in a dictionary, then find the rank of the word tough। ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो समझिए क्या बोल रहे हैं, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड टफ आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज इन ए डिक्शनरी, देन फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड टफ। तो मैंने आपको एक वर्ड दे दिया टफ, अब आपसे बोला है कि इस वर्ड से आप इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके आप जितने भी डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं, अगर हम उन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, जैसा कि डिक्शनरी में होता है, जैसा कि आपने देखा होगा डिक्शनरी में पहले वो सारे वर्ड्स आते हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं, फिर ए के बाद बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड आते हैं, फिर सी के स्टार्ट होने वाले वर्ड आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वर्ड के लेटर्स यूज करिए और वर्ड्स बनाइए, और उन सारे वर्ड्स को डिक्शनरी के पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखिए जैसे डिक्शनरी में लिखा जाता है, और उन सारे वर्ड्स की नंबरिंग कीजिए, फिर ये बताइए कि जो एक्चुअल वर्ड था, जो ओरिजिनल वर्ड था, वो उसकी रैंक क्या है। उसके रैंक का मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो ओरिजिनल वर्ड है ये किस प्लेस पर आएगा डिक्शनरी में, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ही बेसिक होती है, जेई मेंस लेवल की प्रॉब्लम होती है। तो और ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं बच्चों, किसी वर्ड के रैंक निकालना, ठीक है ना, तो ये आना ही चाहिए आपको। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं कि ये जो वर्ड गिवेन है इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए इसके लेटर्स को। तो डिक्शनरी में सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी, तो इसके लेटर्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू, ये आ गया गो टू, ये बन गया है ना। तो अब मेरे को इन 5 लेटर्स से वर्ड बनाने हैं डिक्शनरी के पैटर्न के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए। तो अपना जो वर्ड है वो बच्चों किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो हम डिक्शनरी के पैटर्न अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे तो सबसे पहले वो वर्ड आएंगे जो जी से स्टार्ट होंगे, है ना, फिर जी से स्टार्ट होने के बाद एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे, एच के बाद ओ वाले आएंगे, फिर उसके बाद टी से आएंगे, है ना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी, जी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे। तो कितने लेटर्स का वर्ड बनाना, 5 लेटर्स, 1 2 3 4 5,
तो जी को मैंने फर्स्ट प्लेस पे रख दिया, है ना, जी को फर्स्ट प्लेस पे रख दिया। अब बचे आपके पास कितने लेटर, फोर बचे, तो ये कितना आएगा, इसको फिल करने के फोर मैनर, इसके थ्री, इसके टू, इसके वन, ठीक है ना, कितने आ जाएंगे, वन टू थ्री फोर, तो 24 आ गया, सही है क्या। अब इसके बाद हम बात करेंगे जी के बाद किसका नंबर आएगा, एच से, वर्ड्स स्टार्टिंग विद एच, एच से स्टार्ट होने वाले 1 2 3 4 5, तो एच को फर्स्ट बॉक्स में डाल दिया, तो एच यूज हो गया, बचे फोर लेटर 1 2 3 4, तो ऑब्वियस सी बात है एक बॉक्स इसको फोर मैनर से, इसको थ्री, इसके टू, इसके वन, तो ये आंसर भी कितना आएगा, 4 × 3 = 12 to the 24, ये भी 24 आ जाएगा। जी एच के बाद हम बात करेंगे वर्ड्स स्टार्टिंग विद ओ, है ना, अब वो इधर एक्सप्लेन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ड्स स्टार्टिंग विद ओ को मैंने फर्स्ट बॉक्स में यूज कर लिया, तो ऑब्वियस ही बात है इन फोर प्लेसेस पर ये फोर डिजिट 4 3 2 1 24 मैनर्स अरेंज हो जाएंगी, तो जी से स्टार्ट होने वाले भी 24 वर्ड्स बनेंगे, एच से स्टार्ट होने वाले भी 24 बनेंगे, और ओ से स्टार्ट होने वाले भी 24 बनेंगे। अब जी एच ओ बन गया, अब पहला ऐसा वर्ड आएगा जो टी से स्टार्ट होगा, आराम से समझिए, है ना, लेकिन अपना वर्ड जो गिवन वर्ड था वो टी ओ से था, उसका सेकेंड लेटर देखिए, अब टी से तो स्टार्ट होगा, लेकिन अब हमें सेकेंड लेटर देखना पड़ेगा, यहाँ पर सेकेंड लेटर टी ओ आ रहा है बच्चों, तो अगर मैं टी को पहले बॉक्स में डाल दूँ तो आप बताइए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप सेकेंड कौन सा डालेंगे, ऑब्वियस ये बात है पहले टी जी आएगा, टी जी के बाद टी एच आएगा, और टी एच के बाद टी ओ आएगा, तो डिक्शनरी में वो सारे वर्ड्स पहले आएंगे जो टी जी से स्टार्ट होते हैं या फिर टी एच से स्टार्ट होते हैं, वो सारे टी ओ से पहले आएंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विच स्टार्ट विद टी जी, तो टी जी से कितने बनेंगे, टी ओ जी को यूज कर लिया, बच्चे कितने बॉक्सेस है, तीन बॉक्स है, तीन लेटर है, तो इसको फिल करने के थ्री, इसको फिल करने के दो, इसको फिल करने के एक, 3 × 2 = 6 बनेंगे। वर्ड्स स्टार्टिंग विद टी एच, टी जी के बाद क्या आएगा, टी एच आएगा, टी एच यूज करेंगे तो इसको फिल करने के 3, इसको फिल करने के 2, इसको फिल करने का 1, तो ये भी कितने बन जाएंगे, 6, 3 × 2 = 6, सही है ना। अब टी जी टी एच के बाद अब आएगा नंबर टी ओ का, तो अब जब टी ओ की बात करेंगे 1 2 3 4 5, ये टी ले लिया, यहाँ पर ओ ले लिया, अब टी ओ के बाद बच्चों अपना थर्ड लेटर क्या है, अपना थर्ड लेटर यू आ रहा है, तो टी और ओ मैंने यूज कर लिया। अब आप देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले जी है, फिर एच है, उसके बाद यू है, तो यानी टी ओ यू से पहले डिक्शनरी में टी ओ जी वाले वर्ड आएंगे और टी ओ एच वाले आएंगे, तो वर्ड्स स्टार्टिंग विद टी ओ जी, तो टी ओ जी से तीन लेटर्स को यूज कर लिया, बचे बॉक्सेस कितने आपके पास, 2, तो एक को 2 मैनर्स, एक को 1, तो ये कितने आएंगे, ये भी 2 आ जाएंगे। टी ओ एच देखोगे तो टी ओ एच, है ना, ये वाले भी 2 आ जाएंगे, ठीक है ना। अब टी ओ एच के बाद अब आएगा वर्ड किससे स्टार्ट होगा, वो टी ओ यू से स्टार्ट होगा, आफ्टर दिस जो वर्ड होगा वो किससे स्टार्ट होगा, टी ओ यू। अब देखिए आपके पास 2 लेटर बचे और वो 2 लेटर आपने टी ओ यूज कर लिया, यू भी यूज कर लिया, अब जो 2 लेटर बचे हैं जी और एच, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर वही आ जाएगा जो आपका वर्ड गिवन था, है ना। तो काउंटिंग कर लीजिए, तो रैंक निकाल लेते हैं, तो रैंक के लिए आप क्या करेंगे, देखिए कितना ऐड करेंगे, देखिए जी से 24 बन रहे थे, एच से भी 24 बन रहे थे, ओ से भी 24 बन रहे थे, उसके बाद फिर टी जी से 6 बने, टी एच से 6 बने, टी ओ जी से 2 बने, टी ओ एच से 2 बने, उसके बाद फिर ये, तो यानी 24 24 24 थ्री टाइम्स ऐड होगा, 6 6 दो बार ऐड होगा, 2 2 दो बार ऐड होगा, और टफ बाद में एक वन और, देयरफोर रैंक ऑफ द वर्ड टफ क्या आएगा, 24 24 3 बार था, है ना, उसके बाद क्या था, 24 3 टाइम्स था, उसके 6 6 दो बार था, 2 2 दो बार था, +6 +6 +2 +2 +1, 24 3 जा आई थिंक 72, +6 2 जा 12, 12 4 16 1 17, तो 72 + 17 इज व्हाट, 89, ठीक है बच्चों। तो
तो पहली बार किया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, इसलिए आराम से कीजिए, बिल्कुल समझते हुए कीजिए कि एक बार मेथड समझ में आना चाहिए, और जब मेथड समझ में आ जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हम लोग बहुत जल्दी मतलब मान लीजिए विद इन 20 to 30 सेकेंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ऐसा ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आते ही हैं जेई मेंस में। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन भाई आपकी बार मैंने वर्ड मतलब चेंज कर दिया है, आपके वर्ड मैंने ये ले लिया है केशव, 6 लेटर का वर्ड है ना, तो फाइंड रैंक, आपको इस वर्ड की रैंक निकालनी है। तो सबसे पहले तो बच्चों ये जॉब हो जाएगी कि इसको यार डिक्शनरी के पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखें, तो ए बी सी डी ई एफ जी, पहले ए आएगा डिक्शनरी में, ए के बाद ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, एच पहले आ गया, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, वी सबके बाद में आएगा है ना। चलिए अब थोड़ा स्पीड से आंसर हम निकालेंगे। तो ये वर्ड के से स्टार्ट हो रहा है, तो के से पहले ए वाले आएंगे, ई वाले आएंगे और एच वाले आएंगे है ना, तो वर्ड से स्टार्टिंग विद ए। तो बच्चों ए से कितने स्टार्ट होंगे आप, कितने 6 blank boxes बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और फर्स्ट बॉक्स में ए डाल दीजिए, फर्स्ट बॉक्स में ए डाल दिया, बचेंगे 5 box, ये 5 letters हैं, तो पहले को 5 4 3 2 1, तो ये कितना हो जाएगा 120, तो ए से कितने बनेंगे 120 है ना। ई से, ई वाले जो ई से स्टार्ट होंगे वो भी सारे डिक्शनरी में के वाले वर्ड से पहले आएंगे, तो ई से कितने बनेंगे, ये भी 120 बनेंगे। अब आएगा एच का नंबर, एच से कितने बनेंगे, एच से भी 120 बनेंगे ठीक है ना। अब 120 120 120 360 वर्ड्स बनने के बाद अब पहला वर्ड ऐसा आएगा जो के से बनेगा, लेकिन जैसे ही के से वर्ड बनेगा तो आप ये देखिए के ई अपना सेकेंड लेटर क्या है, के ई है, तो के अगर मैं यूज करता हूँ तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करूँ तो के ई से पहले डिक्शनरी में के ए आता है, तो वो वर्ड जो के ए से पहले के ए से स्टार्ट होते हैं, आई रिपीट, वो वर्ड्स जो के ए से स्टार्ट होते हैं वो डिक्शनरी में के ई से पहले आएंगे, तो वर्ड्स स्टार्टिंग विद के ए। तो हमने दो बॉक्सेस में के और ए को यूज कर लिया, पहले दूसरे बॉक्स में, अब बचेंगे कितने बॉक्सेस, 4 box बचेंगे, 4 letters भी हैं, तो ए को 4 1 को 3 1 को 2 1 को 1, 4 3 2 1 दैट इज 24, तो के ए से 24 बन जाएंगे। अब के ए के बाद अब आएगा के ई है ना, अब के ई आ रहा है लेकिन अब इनका थर्ड लेटर देखिए, के ई के बाद इनका एस है, के ई के बाद एस आ रहा है, लेकिन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग के ई एस से पहले के ई ए आएगा और के ई एच आएगा है ना, तो के ई ए, के ई ए से कितने वर्ड से स्टार्ट होंगे, तो पहले 3 places पर के ई ए यूज कर लिया और बाकी 3 places पर 3 2 6 के ई ए से 6 आ जाएंगे। आफ्टर दैट के ई एच, देखिए के ई एच, हाँ तो के ई एच से भी कितने आ जाएंगे 6। अब के ई एच के बाद अब नंबर आएगा के ई एस का, तो हमने के ई एस 3 letters यूज कर लिए, के ई एस है ना। अब इनका चौथा लेटर देखिए, इनका चौथा लेटर है एच, लेकिन आप जब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो के ई एस और एच से पहले क्या आएगा, ए आ जाएगा, केसा, तो केसा वाले जो वर्ड्स होंगे वो के ई एस एच से पहले आएंगे और वो ऑब्वियसली कितने हो जाएंगे, 2 letters बचेंगे, तो 1 into 2 दैट इज 2। उसके बाद आएगा के ई एस एच, तो के ई एस एच भी यूज कर लिया, कर लिया। अब 2 letters बचे हैं, उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर आप अरेंज करोगे तो ऑब्वियसली ओरिजिनल वर्ड जो पेरेंट वर्ड गिवेन है वही बन जाएगा, तो ये टोटल आपको निकाल लेना होता है ना। कुछ बच्चे ये सब कुछ भी नहीं लिखते, सीधा 120 120 लिख के सीधा विद इन 5 to 10 seconds भी बच्चे आंसर बता देते हैं, तो डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। 360 प्लस 6 plus 6 12 प्लस 24 अगेन 36 प्लस 3 36 प्लस 3 दैट इज 39 एंड 360 प्लस 40 इज 400 में से एक कम, 399 रैंक ऑफ दिस वर्ड इज 399 ठीक है बच्चों। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें सारे लेटर्स जो हैं डिफरेंट है ना, तो जब हम लोग कुछ लेक्चर्स और आगे पढ़ लेंगे तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स की भी रैंक निकाल सकते हैं जिसमें लेटर्स एल आई को, जैसे मैं बोलूं रुड़की है ना,
तो इनकी भी रैंक आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब हम पढ़ लेंगे परमुटेशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप ऐसे वर्ड्स की भी रैंक बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी मैथड्स आपको डे बाई डे नए नए बताए जाएंगे, बहुत सारे ट्रिक्स बताई जाएंगी। मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड from the letters of the word miracle, miracle if first part, part wise बना देते हैं इस question को, first part है बॉबल्स में ऑक्यूपाई ऑड पोजिशन, ये पहला पार्ट है ना। चलिए बार बार करते हुए चलते हैं। तो एक मैंने आपको वर्ड दे दिए मिराकल, है ना, और मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं जिसमें वॉवल्स जो है वो सारे के सारे ऑड पोजीशन पर आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेटर्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेटर्स अवेलेबल है, है ना। तो 7 लेटर्स अवेलेबल हैं और इसमें अगर हम वॉवल और कॉन्सोनेंट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो वॉवल्स कौन कौन से हैं इनमें से, वॉबल्स 5 होते हैं ए ई आई ओ यू, लेकिन यहाँ पर कितने अवेलेबल है, आई थिंक 3 अवेलेबल है, ए आई ई, देर आर 3 वॉबल्स इन दिस लेटर एंड रेस्ट आर कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट कौन कौन से, एम आर सी एल, देर आर 4 कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। चलिए तो अरेंजमेंट बच्चों सारे लेटर्स को यूज करना है, 7 लेटर्स को यूज करना है, तो मैंने 7 ब्लैंक बॉक्सेस बना लिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब कंडीशन पहले पार्ट में थी कि वॉवल्स ऑड पोजीशन पर आए, तो बच्चों जिन बॉक्सेस पर रेस्ट्रिक्शन होती है हम उन बॉक्सेस को पहले भरते हैं, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप किसी भी बॉक्स को पहले फिल कर सकते हैं, किसी भी बॉक्स को बाद में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट इन केस ऑफ रेस्ट्रिक्शन, अगर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज होती है किसी पर्टिकुलर बॉक्स पर तो आपको उसको प्रेफरेंस देनी पड़ती है, उस बॉक्स को हम पहले फिल करते हैं, ठीक है ना। तो बॉक्स जो है वॉवल्स जो है वो ऑड पोजिशन पर आएंगे, ऑड पोजिशन कौन कौन सी, पहली तीसरी पांचवी और सातवीं, ये पोजीशंस कैसी हैं ऑड। तो ये 4 प्लेस हमने रिजर्व कर दिए वॉवल्स के लिए, और वॉवल्स अपने पास कितने हैं, 3, ए आई और ई, ये हमारे बीआईपी कैंडिडेट्स हैं, और ये हमारे जनरल कैंडिडेट हैं एमआरसीएल, इनको तो बस बैठा दीजिए, इनको जगह मिल जाए कहीं पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन ये हमारे बीआईपी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अपने बीआईपी को बिठाएंगे, तो हमने 4 स्पेशल चेयर्स लगा रखी हैं जहाँ पर एरो बना हुआ है, और इन तीनों बीआईपीस का जाइए आप अपनी पोजीशन पर बैठ जाइए, है ना। इनको पहले से पता है कि हम बीआईपी हैं, तो अब पहला पर्सन कितने तरह से बैठेगा, जब पहला पर्सन जाएगा बैठने उसके पास कितने ऑप्शन है बच्चों, देखिए 4 चेयर्स अवेलेबल हैं, तो पहला पर्सन 4 मैनर से बैठ सकता है, जब पहला पर्सन बैठ गया उसके बाद जब आई बैठने जाएगा तो एक चेयर फिल हो जाएगी, बीआईपी वाली चेयर 4 है एक फिल हो गई, तो सेकंड चेयर मतलब सेकंड पर्सन 3 मैनर से बैठ सकता है, और थर्ड पर्सन जब जाएगा तो 2 चेयर फिल हो गई, 2 चेयर बची है तो वो 2 मैनर से बैठ सकता है। तो सारे जो बीआईपी कैंडिडेट्स हैं दैट इज बॉबल्स जो है वो 4 × 3 × 2 इतने मैनर से बैठ सकते हैं, तो बॉबल बैठ गए। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स के बैठने की, तो कॉन्सोनेंट पर बच्चों कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो बचे हुए जो प्लेसेस हैं 3, ये वाले प्लेसेस जो 2 4 6 दिख रहा है, ये वाले प्लेसेस अप एरो, है ना, और एक बचा हुआ ये वाला प्लेस, तो 4 प्लेस है, 4 कॉन्सोनेंट है, तो 4 पहला वाला 4 3 2 1 इतने तरह से बैठ जाएगा,
तो ये आंसर आपका देख लीजिए क्या आएगा। इनटू क्यों किया बच्चों, इनटू इसलिए किया यार क्योंकि हमें बिठाना दोनों को है, वॉवल्स को भी बिठाना है, कॉन्सोनेंट को बिठाना है। वॉवल्स को इतने तरह से बिठा सकते हैं, कॉन्सोनेंट को इतने तरह से बिठा सकते हैं, तो दोनों को कितने तरह से बिठा सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई। तो आंसर आएगा 24 × 24, दैट कम्स आउट टू बी 576। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट मैं बना रहा हूँ, सेकेंड पार्ट है बॉबल्स पे ऑक्यूपाई ऑड पोजिशन था, सेकेंड में इवन पोजिशन। अगर बॉबल्स आपके इवन पोजिशन पर आए, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सेवन ब्लैंक बॉक्स बना लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब की बार बच्चों हमने जो बी आई पी चेयर कहाँ लगाएंगे हम, इवन पोजिशन, यानी 2, 4, 6। फिर से मैंने इनसे कहा बी आई पी कैंडिडेट जो हमारे थे, जाइए आप लोग अपनी चेयर्स पे बैठिए। अब की फाइट क्या है, देखो अब की बार 3 बी आई पी कैंडिडेट्स हैं और चेयर भी 3 हैं, जबकि पहले वाले केस में बच्चों देखिए ध्यान से डिफरेंस क्या है। पहले वाले केस में बी आई पी कैंडिडेट तो 3 है लेकिन चेयर्स 4 थी। तो मैंने किस तरह से डील किया ये आपको थोड़ा फील करना है। इनिशियल लेवल पर हमें ये चीज़ अच्छे से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम ये चीज़ अच्छे से सीख लेते हैं तो हम आगे की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम बड़ी आसानी से क्वेश्चन करते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो जब 3 बॉबल्स थे और 4 चेयर थी तो मैंने किस तरह से एक्सप्लेन किया। और सेकेंड पार्ट अब सुनिए, जब बॉबल 3 है चेयर भी 3 है ना, तो ए कितनी तरह से बैठ सकता है, ए 3 तरह से बैठ सकता है। जब ए बैठ जाएगा उसके बाद आई के पास अवेलेबिलिटी 2 चेयर्स की होगी, आई 2 तरह से बैठ सकता है, और जब ई जाएगा तो उसको मजबूरी में एक ही चेयर खाली मिलेगी। सही है बच्चों, तो बॉबल्स का अरेंजमेंट हो गया। अब बॉबल्स को अरेंजमेंट करने के बाद 3 चेयर यूज हो गए, बची है 4 चेयर, और उन 4 चेयर पर हमारे ये 4 भाई लोग बैठेंगे कॉन्सोनेंट्स, और इन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं भी आपको स्पेस मिल जाए आप चुपचाप बैठ जाइए, ठीक है ना। तो ये 4 × 3 × 2 × 1 सही है बच्चों। तो आंसर क्या आएगा, 3×2 = 6, और फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल टर्म मैंने अभी पढ़ाया नहीं इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर सकता। तो 6 × 24, आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी 144, 72 का गया। तो सेकेंड पार्ट हो गया, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थर्ड पार्ट है इफ बॉबल्स ऑक्यूपाई टर्मिनल प्लेसेस, इफ बॉबल्स ऑक्यूपाई टर्मिनल प्लेसेस। टर्मिनल प्लेसेस मीन्स बच्चों बिगनिंग एंड एंड, स्टार्ट और एंड दोनों प्लेस पर बॉबल चाहिए। तो भाई यार 7 लेटर्स थे, मैंने 7 ब्लैंक बॉक्स बना लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक बार फिर से लिख लेते हैं, बॉबल्स कौन कौन से थे अपने पास, बॉबल थे आई थिंक ए आई ए, और कॉन्सोनेंट थे अपने पास 4, एम आर सी एल, आई थिंक यही देना मेरा के लिए, परफेक्ट। अब की बार हमें रेस्ट्रिक्शन बच्चों चेंज हो गया, बॉबल्स हमें कहाँ चाहिए, बिगनिंग और एंड, इन दो प्लेसेस पर बॉबल चाहिए। अब फिर से देखना यार, अब डीलिंग में कैसे कर रहा हूँ, ये थर्ड केस जो है ये पहले दोनों केस से डिफरेंट है। अब बी आई पी कैंडिडेट 3 हैं, चेयर केवल 2 हैं, बताना कितने ग्रुप फोटो आप खींच सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा यार इस प्लेस पर, ये जो बी आई पी वाली चेयर है, इस प्लेस को मैं कितने डिफरेंट मैनर से फिल कर सकता हूँ। तो इसको फिल करने मेरे पास 3 मैनर्स है, बॉब ए को भी बिठा सकता हूँ, आई को भी बिठा सकता हूँ, और ई को भी बिठा सकता हूँ। तो इस प्लेस को ऑक्यूपाई करने के 3 मैनर्स हैं, ठीक है ना। सिमिलरली लास्ट वाले प्लेस की बात करें तो लास्ट वाले प्लेस पर जैसे एक बॉबल बैठ चुका है, तो अब कितने तरह से इसको फिल किया जा सकता है, इसको बचे हुए 2 बॉबल में से किसी भी तरह से फिल कर सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्टेड बॉक्सेस है उनको फिल कर, बिगनिंग और एंड वाले को फिल कर लिया। अब बचे हुए कितने बॉक्सेस है, 5 बॉक्सेस है, और इन बॉक्सेस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इन बॉक्सेस के लिए 5 लेटर्स अवेलेबल है, 5 लेटर कौन कौन से, 4 तो कॉन्सोनेंट है और एक ऊपर बच जाएगा ए आई ई में से कोई एक, क्योंकि 2 ही तो बैठ सकते हैं इन बिगनिंग और एंड पर, ठीक है ना। तो वो 5 लेटर्स इन 5 बॉक्सेस पर कैसे बैठेंगे, एक यार 5 तरह से बैठेगा, एक दूसरा 4, 3, 2, 1, समझ गए क्या। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट, 3 × 1 से लेकर 5 तक का प्रोडक्ट, आई थिंक ये 120 होता है, × 2, तो 3, 6, 2 = 6, 6 × 120, दैट कम्स आउट टू बी 720।
सही है क्या? चलिए नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है, ईच वर्ड बिगिंस विद ए वोवेल। ईच वर्ड बिगिंस विद ए वोवेल। मैं चाहता हूं कि हर वर्ड वोवेल से ही स्टार्ट हो। तो अब की बार बच्चों रेस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बॉक्स पर है, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन बॉक्स मैंने बना लिए, लेकिन अब की बार रेस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स पर है। और इस बॉक्स पर मुझे क्या चाहिए? बीआईपी कैंडिडेट चाहिए, इन तीन में से किसी एक की फोटो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस बॉक्स को कितने डिफरेंट मैनर से फिल कर सकते हैं? तीन तरह से यार, ए को भी बिठा सकते हैं, आई को भी बिठा सकते हैं और ई को भी बिठा सकते हैं। तो इस बॉक्स को फिल करने के 3 मैनर। और जब ये बॉक्स फिल हो गया तो बचे हुए 6 बॉक्सेस में किसी पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कैसे भी फिल कर सकते हैं। तो एक लेटर यूज हो गया, 4 कॉन्सोनेंट नीचे बचे हुए और 2 ऊपर वोवेल बचे हुए। तो बचे हुए 6 लेटर्स को इन 6 प्लेसेस पर कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? 6, 5, 4, 3, 2, 1 है ना। तो 1 से 6 तक का मल्टीप्लाई ये क्या होता है? 720 ऊपर निकाला है। अरे बात बच्चों समझ में? तो दोनों ही पार्ट का आंसर आपका 720 आ जाएगा। इसका भी आंसर 720 आ रहा है और ना 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 720 नहीं है, 3 से और मल्टीप्लाई होगा ना, सॉरी यार मिस्टेक कर रहा, 720 इंटू 3 वो देख लेना कितना आ रहा, 7, 3, 21, 2160। तो पहले वाले बॉक्स में 3 मैनर से फिल किया था और बात के 6 पे फैक्टोरियल 6। चलिए मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड फाइंड नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड फाइंड नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड which can be formed by using the letters from the word daughter। Daughter, if each word include G, तो समझिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक तो पहले आपको वर्ड दे दिया है डॉटर, है ना। कितने लेटर्स है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 लेटर्स का वर्ड है ये, है ना। और मेरी डिमांड आपसे क्या है? मेरी डिमांड है कि इन 8 लेटर्स में से आप कोई भी 4 लेटर्स को सिलेक्ट करके वर्ड्स बनाइए। क्वेश्चन समझिएगा, एक वर्ड दे दिया है इसमें जिसमें 8 लेटर्स हैं, और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको इन 8 लेटर्स में से आपको एट ए टाइम 4 लेटर्स को पिक करना है और उन 4 लेटर की हेल्प से आपको वर्ड्स बनाने हैं। तो वर्ड्स ऑब्वियस सी बात है, आप जैसे कोई भी 4 लेटर पिक करते हैं, जैसे आपने ए यू जी एस पिक किया, तो आप जानते हैं किसी भी लेटर को आगे पीछे शिफ्ट कर दिया जाए तो उससे नया वर्ड बनता है, क्योंकि यहाँ पर लेटर्स का इंटरनल ऑर्डर मैटर करता है। एच पहले ले जाएंगे तो कुछ और बन जाएगा, है ना। एच यू जी एच यू जी ए कुछ भी बन जाएगा यार, बता रही है समझ में। तो यहाँ पर ये मैटर करेगा किस लेटर को पहले यूज करें, किस लेटर को बाद में। लेकिन अब की बार फाइट बच्चों इसमें नई आई है कि लेटर्स तो 8 गिवन है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ केवल 4 लेटर्स पिक करने हैं और वर्ड बनाने। और एक और रिस्ट्रिक्शन मैंने लगा दी कि जो भी आप 4 लेटर लेंगे उनमें से एक लेटर जी डेफिनेटली होना चाहिए, यानी हर वर्ड में जी कंपलसरी इन्वॉल्व होना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ये देख रहा हूँ आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो कितने ब्लैंक बॉक्स में बनाऊंगा? ऑब्वियसली बात है 4 ब्लैंक बॉक्स बनाऊंगा। तो मैंने 4 ब्लैंक बॉक्सेस बना लिए, है ना। तो
तो जी तो मुझे यूज करना ही करना है, जी को यूज करने में बाकी सेवन में से कोई तीन लेटर और यूज करने हैं। तो सबसे पहले मैं जी पर रिस्ट्रिक्शन है तो मैं जी को सबसे पहले यूज करना चाहता हूँ। तो जी को आप कितने डिफरेंट मैनर से यूज कर सकते हो, जी को फर्स्ट बॉक्स में यूज करके भी आप वर्ड बना सकते हो, जी को सेकंड बॉक्स में यूज करके भी बना सकते हो, जी को थर्ड बॉक्स में भी यूज कर सकते हो, जी को फोर्थ बॉक्स में भी यूज कर सकते हो। तो जी को यूज करने के कितने मैनर्स आ गए, फोर, यानी चार में से किसी भी एक बॉक्स में यूज कर सकते हैं। सपोज करो मैंने जी को फर्स्ट बॉक्स में यूज कर लिया, अब जी यूज हो चुका है तो जी इन्वॉल्व हो गया उसमें। अब बचे हुए कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन लेटर्स बचे हुए। तो अब किसी भी बॉक्स आप पहले या बाद में फिल करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बॉक्स को फिल करने के कितने मैनर्स होंगे, सेवन, है ना। अब जब ये फिल हो गया तो इसको फिल करने के सिक्स मैनर और इसको फिल करने के फाइव मैनर्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, जी को यूज करने के, जी को यूज करने के फोर, है ना। तो नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ वेज जी को यूज करने के फोर, ये तो मैंने बाहर लिख दिया। बच्चे हुए तीन के सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव, बच्चों ये ध्यान देना फोर से मल्टीप्लाई क्यों हुआ है। ये कुछ बच्चों को पहले लेक्चर में समझ नहीं आता कि फोर क्यों कर दिया सर ने मल्टीप्लाई। एक्चुअली हमें जी यूज करके वर्ड बनाना है, तो जी को हम पहले बॉक्स में भी यूज कर सकते हैं, सेकेंड में भी यूज कर सकते हैं, थर्ड में भी कर सकते हैं और फोर्थ में भी कर सकते हैं। तो जी को इंगेज करने के फोर डिफरेंट मैनर्स हैं, समझ में आया क्या। तो देख लीजिएगा ये जो भी कुछ आंसर आ रहा हो, आई डोंट नो, ये हमारा एक पहली अप्रोच हो गई। अच्छा, कुछ लोग इस क्वेश्चन को रिवर्स अप्रोच से सॉल्व करते हैं। उनका रिवर्स वे ऑफ थिंकिंग क्या होता है, वो ये कहते हैं कि सर सबसे पहले मैं वो टोटल वर्ड्स निकालना चाहता हूँ जो फोर लेटर्स को यूज करके बनेंगे। फोर लेटर्स को यूज करके पहले टोटल वर्ड्स निकाल लो, व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कोई भी लेटर लो, किसी को भी छोड़ दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना होती तो पहले वाले बॉक्स को यूज फिल करने के एट मैनर्स, दूसरे के सेवन, तीसरे के सिक्स और चौथे के फोर, है ना। तो टोटल इतने वर्ड्स बनते, टोटल कितने बनते, 8 × 7 × 6 × 4, ये टोटल आ जाता। टोटल में कुछ ऐसे वर्ड्स होते जिसमें जी इंक्लूडेड होता और कुछ ऐसे वर्ड्स भी होता जिसमें जी एक्सक्लूडेड होता। तो अगर हम इस फिगर में से, इस काउंटिंग में से वाले के सब्ट्रैक्ट कर दें जिसमें जी इंक्लूड नहीं है, है ना, तो वो अपने पास एग्जैक्टली वही आंसर आ जाएगा जिसमें जी इन्वॉल्व हो रहा है, है ना। तो अब हम वाले के सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं जिसमें से हम वाले के सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें जी का यूज नहीं हो रहा है। तो बच्चों फोर ब्लैंक बॉक्स बना लिए मैंने और जी को यहाँ से कट करके हटा दिया। बचे कितने लेटर्स है, सेवन लेटर्स है, सेवन लेटर से फोर डिजिट, फोर लेटर का वर्ड बनाइए। तो इसको सेवन मैनर से फिल कर सकते हैं, इसको सिक्स, इसको फाइव, इसको फोर, आ रहा है बच्चों सामने। तो ये जो हमने काउंटिंग की थी इसमें सारे वर्ड्स से, इसमें जी इन, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें जी इंक्लूडेड होगा, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें जी एक्सक्लूडेड होगा। अब इस काउंटिंग में से मैं वाले के सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ जिसमें जी का रोल नहीं है, जी इंक्लूडेड नहीं है। तो सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। तो आप चेक करिए, देखिए आपका आंसर एग्जैक्टली वही आ जाएगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि सेवन इंटू सेवन इंटू, सॉरी फोर नहीं था यार, ये फाइव है, सॉरी मिस्टेक हो रही थी। तो सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव, ये तो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव। बचेगा क्या, ये एट और ये फोर, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस फोर है, और ये एग्जैक्टली देखिए इस आंसर से मैच कर रहा है, सेवन सिक्स फाइव फोर। आ रही है बात बच्चों समझ में, ये जो हमने निकाला है। तो दोनों तरह से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर लॉक, एक नंबर लॉक वाली प्रॉब्लम कर लेते हैं, सिंपल सी प्रॉब्लम है। अ नंबर लॉक है श्री concentric rings a number lock has three concentric rings on which the digits 0 1 2 3 up to 9 on which the digits
जीरो वन टू थ्री अप टू नाइन आर इनक्रिप्ट, मतलब एक नंबर लॉक है ना, और उसका कोड जो है वो थ्री डिजिट का नंबर है ना, और उनमें से हर रिंग पर ये 10 नंबर्स खुदे हुए हैं, इनक्रिप्ट मतलब एक मार्क किए हुए हैं, खुदे हुए हैं, ठीक है ना। ओनली वन पर्टिकुलर अरेंजमेंट, ओनली वन पर्टिकुलर अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑन द रिंग ऑन द रिंग्स से ए बी सी अगेंस्ट एन एरो ओपन्स द लॉक list of what is the number of unsuccessful attempts to open the lock. ये question है, ये लॉक को खोले में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने होंगे। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। तो थ्री डिजिट का एक कोड हमें बनाना है, ठीक है ना, और अवेलेबल डिजिट्स क्या है अपने पास, 0, 1, 2, 3, 9। और आप समझ ही रहे होंगे कि तीन रिंग है, हर पहली रिंग पर भी 0 से लेकर 9 तक नंबर है, दूसरी रिंग पर भी 0 से 9 तक नंबर है, थर्ड रिंग पर भी 0 से लेकर 9 तक नंबर है। तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहले तो यार आपसे ये कि आप ये बताइए कि मैं ऐसे कितने कोड जनरेट कर सकता हूँ उस यानी ये जो इस टाइप का जो लॉक बनाया गया उसमें मैक्सिमम कितने कोड जनरेट होंगे। तो फर्स्ट बॉक्स में हम किसी भी एक डिजिट को, देयर आर 10 डिजिट्स, तो किसी भी एक डिजिट को कितने तरह से यूज कर सकते हैं, 10 मैनर से। फिर जो सेकंड रिंग है कुछ इस तरह की रिंग होगी ना, जैसे ये पहली रिंग आपने देखा होगा, जैसी रिंग्स होती हैं ये सेकंड रिंग थ्री, वो एक्चुअली 3D टाइप का होगा, तो यहाँ से आपको दिख नहीं, सूटकेस वगैरह में होती है ना। तो सेकंड बॉक्स को भी फिल करने के 10 मैनर्स होंगे, थर्ड बॉक्स को भी फिल करने के 10 मैनर्स होंगे। तो टोटल कितने कोड जनरेट किए जा सकते हैं, 10 × 10 × 10 टोटल नंबर ऑफ कोड्स वो कितना आएगा, 10 क्यूब, यानी 1000 डिफरेंट कोड बनाए जा सकते हैं। इट मीन्स दैट कि अगर मेरे को उस लॉक को ओपन करना हो, उस लॉक को खोलना हो और उसमें बहुत ही वैल्यूएबल आइटम्स रखे हो, तो मेरे को कितने अटेम्प्ट लगाने पड़े, मैं सारे 3 डिजिट नंबर सारे ट्राई करूंगा, तो 1000 अटेम्प्ट अगर मैं लगाता हूँ तो 1000 अटेम्प्ट में से 100% लॉक खुल जाएगा, 1000 से ज़्यादा कोड आप बना ही नहीं सकते। तो 1000 में से एक ऐसा कोड होगा जिससे लॉक खुलेगा, और 999 जो आपके अटेम्प्ट रहेंगे वो अनसक्सेसफुल रहेंगे। Therefore, लिख सकते हैं नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने आएंगे, तो ये तो टोटल बन गया, 1 सेपरेट कर दिया क्योंकि 1 तो एक्चुअली क्या था, वो उसका एक्चुअल कोड आ जाएगा, तो आंसर इज व्हाट, 999। सही है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फैक्टोरियल की डेफिनेशन, फैक्टोरियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट, लेजेंडर थ्योरम पढ़ाएंगे जिसमें हम किसी भी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट निकालना सिखाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा टाइम और बचेगा तो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन की डेफिनेशंस, उन पर बेस्ड थ्योरम्स वगैरह कवर करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो बस जो जो चीज़ें पढ़ाते जा रहे हैं उनको करते जाइए। तो अभी मैं होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि अभी थोड़ा प्रैक्टिस और हो जाए, मैं चाहता हूँ कि जब थ्योरी एक अच्छे लेवल तक पहुँच जाएगी उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसी तरह से दूंगा कि आपको DPP भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से DPP निकाल ले लेंगे और उन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, उनका डिस्कशन भी अपन करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।